आप अपनी लॉन्ग वीडियो को अपलोड करते हो तो उसके साथ साथ आप उसका वीडियो का जो है टाइटल लिखते हो, उसके साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हो, टैग्स लिखते हो। लेकिन एक चीज और आती है, जब आप इन चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको दो चीजें नजर आती हैं कि यस इट्स मेड फॉर किड्स, और दूसरा आता है नॉट मेड फॉर किड्स। इनका क्या मतलब होता है, हमें कौन से वाले ऑप्शन पर क्लिक करना चाहिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, मैं इसी के बारे में आज पूरी बात करने वाला हूं। तो देखिए मेरे मित्र, अगर आप यस इट्स मेड फॉर किड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो आपका कंटेंट यानी कि आपकी जो वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 18 साल से नीचे आते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं। अगर YouTube की बात करूँ तो 18 साल से नीचे जो है उनको वो बच्चा मानता है, मतलब बच्चों के लिए है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप कार्टून वगैरह की जो वीडियोस होती हैं सिर्फ इनको ही अंडर 18 रख सकते हैं। और अगर बात करूँ दूसरे ऑप्शन के बारे में तो वो होता है नॉट मेड फॉर किड्स। इसका मतलब क्या है कि ये किसी बच्चे के लिए वीडियो नहीं है, इसको क्या है 18 प्लस देख सकते हैं। अगर आपका कंटेंट जो है वो बच्चों के लिए है तो सीधी सी बात है आपको यस इट्स मेड फॉर किड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका कंटेंट जो है वो सभी के लिए, एक तरीके से बोल सकता हूँ सभी के लिए ही है, तो आप नॉट मेड फॉर किड्स वाले पे क्लिक कीजिए। और सिंपली जो 100% लोग करते हैं वो ऑप्शन बी पर ही क्लिक करते हैं, यानी कि जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो इसीलिए करते हैं कि इस कंटेंट को सभी देख सकें।